तो चलिए आज सीखेंगे 6 तार वाश टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग, ठीक है ना। ये हमारे पुराना वाश टाइमर जो कि बहुत सारे वॉशिंग मशीनों में अभी लगा हुआ है ना, तो लोग क्या करते हैं कि इसका कनेक्शन कर नहीं पाते हैं, जो कि लेटेस्ट इस समय आ गया, न्यू आ गया है, तो उसको तो फटाफट क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। लेकिन इनका कनेक्शन करने में लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनके वायरों को कहाँ पर जोड़ना है, ठीक है ना। तो आज हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताएंगे, इन टाइमर को देख करके समझ जाएंगे कौन सा वायर कहाँ पर जाने वाला है, ठीक है ना। आपको चाहे नया मिले चाहे क्या मतलब पुराना मिले, सभी का कनेक्शन आप बहुत आसानी से क्या है कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या किया है, 6 तार पे वीडियो बनाया है, 6 तार पे बनाया है, 7 तार पे बनाया है, और दो और एक न्यू 6 तार के साथ बनाया है, और 4 तार के बनाया है। ये हमारा क्या होगा, 6 तार वाला जो कि ओल्ड वाला जो वॉश टाइमर होता है ना, सभी लोग क्या करते हैं इसका कनेक्शन नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं इसको देख करके इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है। तो सिंपल सा होता है कि इसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम। तो देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारे संपूर्ण क्या है, वॉशिंग मशीन के सारे पार्ट है, ठीक है ना। इनको हमें क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं जो हम मशीनों में लगते हैं जो कि काफी मिल जाते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इनका कनेक्शन करना आज के बाद बिल्कुल ही सिंपल सा हो जाएगा। जैसा कि देखते हैं ना कि इसके अंदर एक मोटर होती है, समझ रहे हैं ना। इस जो वॉश टाइमर कुछ ऐसा दिखाई देगा, लंबा सा होगा और दो पॉइंट ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। एक तो इसमें क्या होती है, एक मोटर होती है, एक से हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं कि कितना मिनट तक आपके कपड़े को क्या करना है, धुलना है, ठीक है ना। और एक जो पॉइंट होता है, मोटर होती है जो कि ऊपर की साइड में ऐसे ऐसे क्या है चलती है, और एक ठोका किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। उस मोटर का कार्य होता है ना कि जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, एक बार क्या करती है रनिंग पे सप्लाई देती है, एक बार क्या करती है स्टार्टिंग पे सप्लाई देती है। तो उसमें पहले क्या होता था कि एक पत्ती लगती थी, समझ रहे हैं ना, उसमें क्या होती थी पत्ती लगती थी। तो एक बार मोटर चलता था तो वो पत्ती रनिंग वाले पर टच करती थी, और एक बार जब मोटर चलता था तो क्या थोड़ी देर के बाद वो क्या करती थी स्टार्टिंग वाले पे, यानी एक बार एक तार पे कनेक्ट होती थी, एक बार इस तार पे कनेक्ट होती थी। तो हमारा जो वॉश मोटर है ना, एक बार लेफ्ट चलता था, एक बार राइट चलता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो हम क्या कर सकते हैं कि ओल्ड मॉडल जो ओल्ड मॉडल वाले वॉश टाइमर है ना, उनका अगर कनेक्शन करना है तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से, हमारा जो ओल्ड मॉडल होगा लंबा सा होगा, तो इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो 4 तार होंगे ना, ध्यान से समझिएगा, जो 4 तार होंगे काफी क्या होंगे बड़े होंगे, और 2 तार काफी क्या होंगे छोटे होंगे, और दोनों में थिंबल लगा होगा, ठीक है ना। पहला पहचानने का तरीका ये होगा कि 4 तार काफी क्या होंगे लंबे होंगे, और 2 तार क्या होंगे छोटे होंगे, जिनमें क्या लगा होगा थिंबल लगा होगा, ठीक है ना, जिसमें क्या लगा होगा थिंबल लगा होगा। और इनमें से, समझ रहे ना, और इन 6 तारों में से 2 तार बिल्कुल अलग होंगे, यानी अलग टाइप में होंगे, समझ रहे ना। ये 2 तार चाहे यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं, यानी बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। जो अलग दिखाई देंगे ना, उसमें से 1 तार क्या होगा छोटा वाला होगा जिसके अंदर थिंबल लगा होगा, और 1 तार काफी क्या होगा बड़ा होगा। ध्यान से समझिएगा, जो दो तार होंगे ना इस टाइमर में जो अलग दिखाई देंगे, उसमें से 1 तार क्या होगा छोटा होगा और उसमें थिंबल लगा होगा, और 1 तार काफी क्या होगा बड़ा होगा। एक जो बड़ा वाला वायर और जो छोटा वाला वायर होंगे ना, ये हमेशा न्यूट्रल के होते हैं, किसके होते हैं न्यूट्रल के होते हैं, यानी एक से हम इसमें न्यूट्रल इन करेंगे और दूसरे से क्या कर लेंगे आउट कर लेंगे, जो कि हमारा जो छोटा वाला वायर रहेगा वो किसके लिए चला जाएगा, बजर के लिए चला जाएगा। अब हम इधर की साइड में आएंगे, समझ रहे हैं ना, जब इधर के साइड में आएंगे तो आपको 3 तार काफी दिखाई देगा, इधर के साइड में आएंगे तो 3 तार काफी लंबे दिखाई देंगे और 1 तार छोटा दिखाई देगा जिसमें क्या होगा कि थिंबल लगा होगा। तो जो 3 तार बड़े होंगे ना, उसमें से 1 तार में हम फेस को इन करेंगे और 2 तार आउट ले जाकर के हम जो वॉश मोटर रहेगा उसके अंदर जोड़ देंगे, और 1 तार जो हमारा छोटा वाला होगा जिसके अंदर थिंबल लगा होगा, इसी जगह से हम बर्जर को क्या कर देंगे फेस भी दे देंगे, ठीक है ना। तो जो बर्जर को आप फेस और न्यूट्रल जो कि न्यूट्रल डायरेक्ट देते थे ना, अब वो न्यूट्रल डायरेक्ट नहीं देना है, इस मोटर यानी इसी मोटर से उसको मिल जाएगा। जो वॉश टाइमर के अंदर जो मोटर लगा होगा ना, उसी मोटर को ये क्या करेगा यहां से दे देगा न्यूट्रल, ठीक है ना। और उसी न्यूट्रल से हम किसको दे देंगे, बजर वाले पॉइंट को दे देंगे, ठीक है, सिंपल सा होगा। तो इसका कनेक्शन करना बेहद ही आसान होगा, ठीक है ना। देखिए यहां से जो छोटा वाला वायर होगा, जो अलग वाले 2 वायर होंगे, तो उसमें से जो छोटा वाला वायर होगा उसमें से 1 न्यूट्रल हम किसको दे देंगे, बाजार वाले को दे देंगे। कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, हमने न्यूट्रल दे दिया। अब इनको न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल सिंपल सा होगा, यहां से हम क्या करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से, देख रहे हैं जो हमारी मेन लीड होगी ना, देखिए यहां से जो मेन लीड होगी उसमें से हम न्यूट्रल अब लेकर जा रहे हैं कहां, टाइमर में,
देखिए जो अलग दो वायर थे ना, जो अलग वायर थे उसमें हमने क्या कर दिया, इस टाइमर में अब तक न्यूट्रल नहीं दिया जाता था ना, जितने हम कनेक्शन बताए उसमें न्यूट्रल नहीं दिया, लेकिन जो ओल्ड मॉडल वाला जो टाइमर होगा उसके अंदर जो मोटर होगी उस मोटर को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस टाइमरों के अंदर क्या दिया जाता है, न्यूट्रल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ले जाकर के हम जो अलग वायर रहेंगे उसमें न्यूट्रल दे देंगे और वही न्यूट्रल आउट करके हम किसको दे देंगे, बजर वाले को दे देंगे, ठीक है ना। इसके बाद बच गए यहां से दो तीन बड़े वाले वायर, समझ रहे ना कि क्या बच गए, तीन बड़े वाले वायर बच गए। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहां से जो न्यूट्रल तो पहुंच गए हैं टाइमर के अंदर और उसी टाइमर में हमें फेस भी लेकर जाना है, देख रहे हैं इस प्रकार से जो मेन लीड से फेस निकलेगा इस प्रकार से, देखिए अब ले जाकर के हम क्या कर देंगे, फेस को इन कर देंगे और इन तीन तार जो बड़े होंगे उसमें से एक तार हमारा फेस का होगा, उसमें ले जाकर के फेस को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब बच गए जो दो बड़े वाले वायर, समझ रहे हैं ना, दो बच गए बड़े वाले वायर और सिंपल से होगा इनको हम ले जाकर के क्या करेंगे, एक को ले जाकर के वॉश टाइमर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे और एक को लेकर आएंगे अपना जो वॉश मोटर रहेगा उसको हम ले जाकर के किसमें जोड़ देंगे, रनिंग वाले में जोड़ देंगे, इस प्रकार से देख रहे हैं ना हमने जोड़ दिया और इसमें बच गया एक वायर। एक वायर जो बच गया ना वो हमारा बजर का फेस वाला वायर होगा, नहीं बजर को फेस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहां से जो एक वायर बच जाएगा वो सिंपल सा होगा, उसको ले जाकर के बजर को ऊपर से ही क्या कर देंगे, फेस दे देंगे, देख रहे हैं ना। तो इनका कनेक्शन करना बिल्कुल ही आसान है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो स्पिन टाइमर रहेगा उसका कनेक्शन जैसे पहले करते थे ना उसी प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर लेंगे, और जो मेन लीड जाएगी ना, देखिए कुछ इस प्रकार से जो मेन लीड जाएगी इसी में से हम फेस किसको दे देंगे, स्पिन टाइमर में देंगे, क्योंकि टाइमर में जो स्पिन टाइमर होता है इसमें हमेशा दो तार होते हैं, एक से इन करेंगे दूसरे से क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, एक से इन दूसरे से आउट, और इसके बाद आउट करके ले जाकर के जो डोर स्विच रहेगी ना, डोर स्विच के किसी एक पॉइंट में ले जाकर क्या कर देना है, जोड़ देना है, और डोर स्विच से जब आउट करेंगे इस प्रकार से, देखिए जब आउट करेंगे ना तो जो स्पिन मोटर रहेगा उसके रनिंग वाले पॉइंट में क्या कर देना है, जोड़ देना है, सिंपल सा होगा, देख रहे हैं ना हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए अब इन यहाँ पर कैपेसिटर होगा ना, देखिए इसमें जो कैपेसिटर वॉशिंग मशीन में प्रयोग किए जाते हैं ना वो टू इन वन कैपेसिटर होते हैं, नहीं दो की पावर क्या होती है, एक ही में होती है, तो इसमें जो कम MFD वाले दो तार होंगे, समझ रहे हैं ना, जो कम MFD वाले या दो कम पावर वाले दो तार होंगे उनको ले आकर के हम किसमें जोड़ देंगे, स्पिन मोटर में जोड़ देंगे, देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं ना, जो कम पावर दो तार थे उनको ले जाकर के हमने क्या कर दिया, स्पिन मोटर में जोड़ दिया, एक को स्टार्टिंग में जोड़ दिया, एक को किस में जोड़ दिया, रनिंग में जोड़ दिया। अब यहाँ से जो ज्यादा पावर वाले दो तार रहेंगे ना, समझ रहे हैं ना, कैपेसिटर में से जो ज्यादा पावर वाले दो तार निकलेंगे उनको हम क्या करेंगे, ले जाके वॉश मोटर के एक ठो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे और एक ठो लेकर जाएंगे किसमें जोड़ देंगे, रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जिनको जिनमें कैपेसिटर जोड़ना था उसको बड़ी ही आसानी से हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब देखिए न्यूट्रल भी हमारा बजर को मिल गया है ना, अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, स्पिन मोटर को न्यूट्रल चाहिए और किसको चाहिए, वॉश मोटर को न्यूट्रल चाहिए। तो यहां से हम क्या करते हैं, देखिए यहां से जो न्यूट्रल होगा मेन लीड से ना इसी जगह से लेकर के हमें क्या करना है, स्पिन मोटर में न्यूट्रल दे देंगे और इसी पॉइंट से आउट करके हम किस में दे देंगे, देख रहे हैं ना, वॉश मोटर में न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं सिंपल सा होगा, इंटरन कनेक्शन करना है, यही टाइमर मिल जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाए कि तो इस टाइमर में क्या दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके अगर ऐसा वॉश टाइमर आपको ऐसे डिजाइन का आपका मिलता है, लंबा सा मिलता है, तो आप सिंपल सा होगा कि उसके अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक मोटर होती है, उस मोटर को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए टाइमर के अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है, ठीक है ना, उसमें न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है। तो न्यूट्रल जो होगा न्यूट्रल आप देंगे तो दो तार बिल्कुल अलग होंगे, समझ रहे हैं, दो तार बिल्कुल क्या होंगे, अलग होंगे, और उनमें से जो अलग होंगे ना उसमें से एक तार क्या होगा, छोटा होगा और एक तार बड़ा होगा, ठीक है ना। जो छोटा वायर होगा उसमें क्या होगा, थिंबल लगा होगा, तो जाहिर सी बात है जो तार जो अलग होंगे ना उसमें हमेशा न्यूट्रल एक से इन करेंगे और दूसरे से आउट करके बजर वाले में दे देंगे, ठीक है ना। और बच गए चार तार, जो कि जो बच गए किधर, इधर चार तार, तो चार तारों में से तीन तार काफी क्या होंगे, बड़े होंगे, और एक तार क्या होगा, छोटा होगा, तो जो छोटा वाला वायर होगा ना वो बजर का फेस होगा, समझ रहे हैं ना, जो छोटा वाला वायर होगा वो बजर का फेस होगा जिसके अंदर न्यूट्रल लगा होगा, और इसमें से बच गए तीन वायर जो कि काफी क्या होंगे, बड़े होंगे, तो तीन वायरों में से दो तार तो हमारे वॉश मोटर के लिए चले जाएंगे, एक तो रनिंग के लिए, दूसरा किसके लिए, स्टार्टिंग के लिए, और बच गएगा एक वायर, जो एक वायर बचेगा ना उसमें ले जाकर के मेन फेस को क्या कर देंगे, इन कर देंगे, वही फेस इसके अंदर के मोटर को चलाएगा और यही न्यूट्रल इस अंदर के मोटर को चलाएगा। तो ये जो पत्ती होती है ना, जब ये मोटर चलता है तो जो बीच वाली पत्ती होती है जिसमें
फेस देते हैं तो एक बार एक इस वाले वायर पर कनेक्ट होती है और एक बार इस वाले वायर पर कनेक्ट होती है और एक बार लेफ्ट कनेक्ट होती है, एक बार क्या होती है राइट कनेक्ट होती है। तो जब लेफ्ट और राइट कनेक्ट होती है ना तो वही जो फेस का वायर है एक बार लेफ्ट एक बार राइट कनेक्ट होने की वजह से एक बार सप्लाई हमारा स्टार्टिंग वाले पे देता है, एक बार रनिंग वाले पे देता है। तो हमारा जो वॉश मोटर होता है ना एक बार लेफ्ट चलता है एक बार राइट चलता है, जिससे हमारा कपड़ा क्या हो जाता है आसानी से क्या हो जाते हैं साफ हो जाते हैं। आपस में जब घर्षण करते हैं तो क्या हो जाते हैं साफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं पर जो ओल्ड मॉडल के वॉश टाइमर है ना अगर वो आपको मिलते हैं तो बड़ी आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं उसका वायरिंग कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।